चलिए सर, 2300 2300 आपको सैलरी डाल के कम से कम आ जाता है 3500 जो तकरीबन बनता है पाकिस्तान का 1,70,000। उसके बाद ओवर टाइम लेके मैक्सिमम कितना आ जाता है? 3,000। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं हूँ विश्वकर्मा, आप सबका स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो आप सबके बता दूं, एक्चुअली में आज का ब्लॉग नहीं है क्योंकि काफी टाइम पहले हमको कुछ कमेंट आया था जो हमारा भाई कमेंट किए थे, जो ड्राइवर पे एक वीडियो बनाई है। तो मैं सोच ही रहा था उस पर बनाने के लिए, तो कुछ मेरे को काम था पर्सनल जो कि टाइम नहीं मिल रहा था, तो उसके वजह से नई वीडियो बना पाया। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हम बताऊंगा आप सबको जो फोर व्हीलर जो ड्राइवर है उनको महीने का कितना तनख्वाह मिलता है, मतलब सैलरी, और डीजल मैकेनिक जो इंडिया से डीजल मैकेनिक आना चाहते हैं तो उनके लिए भी बताऊंगा जो महीने का आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। तो इस चैनल पे सऊदी से रिलेटेड और जो सऊदी का विलेज है और साइट से रिलेटेड आपको ब्लॉग मिलेगा। और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे दूंगा। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो यही सब है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सकते हैं हमारा ये फैयाज भाई जो सेफ्टी ऑफिसर है, सबको अभी दिक्कत हो गया है, अभी जो भी यहाँ पे था सब कुछ हटा रहे हैं। देखिए जो अपना तरफ टैंकर होता है ना, जो मतलब औरत लोग जो साड़ी कपड़ा डालते हैं यहाँ पे, देखिए वो बकाला चलता है। तो ये देखिए इसमें बिस्कुट पेप्सी ये सब चीज़ रखा है क्योंकि ये चाय बनाने वाला है। यहाँ पे पानी बॉयल होता है, फिर यहाँ पे दूध रेडीमेड है, देख सकते हैं ये जो नूल क्या है। तो यही सब है, देखिए हमारा ये फैयाज भाई है जो आप सबसे पिछले वीडियो में देखे होंगे, जो सेफ्टी ऑफिसर है साइट का, अभी फिलहाल इंचार्ज है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑफिस था सब कुछ यहाँ से हट गया है। तो ये भी जो ये मस्जिद है यहाँ पे ही हम लोग सब आदमी बैठते हैं, तो यही सब है। तो चलिए इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। और फैयाज भाई आप सब बताए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अभी इसमें बैठने का कारण हम लोग का ये हो गया है कि अभी हम लोग का जो साइड है ये हैंडओवर है, यानी आखिरी पे चल रहा है। तो अभी ये चीज़ है यहाँ पे कि मतलब पूरे चीज़ ये यहाँ से हटा दिया गया है ताकि आगे वाले यानी हमारे क्लाइंट को दिक्कत नहीं हो। तो हमारा वैसे ऑफिस है यहाँ पे, मेन ऑफिस है, तो इसलिए वहाँ पे आए और जाने में थोड़ा सा तकलीफ है। इसके लिए आने जाने में तकलीफ के कारण आदमी नहीं जाता है वहाँ पे, तो ज़्यादातर आदमी टाइम यहीं पे गुजारता है। जाता है आदमी कभी लंच के बाद जाते हैं या लंच के पहले जाते हैं, और पूरे दिन अपने साइड पे हम अवेलेबल होते हैं। तो यही सब है, जो इनका बगल में एक साइड है वहाँ पे सब कुछ ऑफिस है, तो ये लोग का वहाँ पे रूम है बैठने के लिए, केबिन है, बाकी ये लोग का पूरे साइड में ही रहना पड़ता है। तो इसके वजह से यहाँ पे ही मतलब रहते हैं, तो जब जरूरत पड़ता है तो फिर जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे ही काम चल जाता है। तो ज़्यादा आदमी भी नहीं है। तो अभी हमारा ये शेरू देख सकते हैं, तो ये ड्राइवर है शेरू खान। तो आप देख सकते हैं हमारा शेरू भाई है जो शेर अकबर इनका नाम है। तो इनसे चलिए बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जो पहले हमारा साथ जो हम लोग लाइसेंस बोलते हैं अरबी में उसको रुक्सा बोलते हैं, तो इनके पास लाइसेंस छोटा गाड़ी के जो बनवाए थे, तो अभी फिलहाल छोटा गाड़ी चला रहे हैं। और सुनो गाइस कैसा है, ठीक ठाक? ये है हमारा विष्णु जो मेन ऑपरेटर है अमाना का, और जितना ज़्यादा मशीन सीखेगा गाड़ी सीखेगा इतना तुम्हारे को फायदा देगा, और जितना तुम्हारा टाइम गुजरेगा इसी तरह तुम्हारा एलिवेशन जाएगा, उसकी वजह से तुम्हारा सैलरी बढ़ेगा। तो बाकी आप इनसे सुनिए। तो शेरू भाई का अभी फिलहाल 10 साल हो गया है अमाना में, तो ये कितना सैलरी पे आए थे, अभी इनका फिलहाल कितना सैलरी है? तो चलिए इनसे शेरू भाई 300
2300 आपको सैलरी डाल के कम से कम आ जाता है 3500, जो तकरीबन बनता है पाकिस्तान का 1,70,000। तो आप जब 10 साल पहले आए थे उस टाइम कितना था आपका सैलरी? 1800 था। तो यानी 500 रुपया आपको बढ़ाया हमने 10 साल। जितना तुम कॉन्फिडेंट होएगा अपने काम में उतना तुम्हें फायदा देगा। फिलहाल देख सकते हैं हमारा मैकेनिक है। तो अभी हमारा ये साबिर भाई है जो ये भी बिहार से ही है, तो आपको हम बताएंगे जो जो डीजल मैकेनिक है वो लोग मतलब कैसे आते हैं सऊदी में, उनका क्या प्रोसीजर होता है या किस तरह से आए। तो चलिए बात करते हैं साबिर भाई से कैसे आए, मतलब ये पहले दुबई आए थे तो दुबई से कंपनी फिर आपस इधर सऊदी में भेजा, तो ये अभी इनसे पूछते हैं। तो साबिर भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। मैं ऑफिस के थ्रू आया था और दुबई में आया था डीजल मैकेनिक एंड पेट्रोल मैकेनिक दोनों, जिसमें यहाँ ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना पड़ा था। पास करने के बाद हम 2 महीने के बाद मेरा फ्लाइट हुआ था, 2018 में आया था। और उसका 2 साल दुबई में जॉब करने के बाद कंपनी ने मेरे को सऊदी में ट्रांसफर किया और यहाँ फिर सैलरी भी बढ़ाया था इसके लिए यहाँ। तो मतलब फर्स्ट टाइम में आप आए थे तो एजेंट से बात करके आए थे? तो मतलब एजेंट से बात कर कितना पैसा लगा था आपका? तो मैं एजेंट से बात करके इंटरव्यू में ऑफिस की इंटरव्यू देने के बाद मेरा सैलरी फिक्स किया था 1400 प्लस 200 आपको सैलरी था 8 घंटा का, 8 घंटे प्लस ओवर टाइम था, प्लस ओवर टाइम था। अभी आपको सऊदी में ट्रांसफर किया दुबई से तो आपको कितना सैलरी बढ़ा या मतलब वही सेम है? नहीं, मेरा बढ़ाया गया था सैलरी। हाँ, तो अभी 1800 प्लस 200 है, 1800 प्लस 200 मतलब 2000 अभी हो गया है। 400 रियाल आपको बढ़ा है सऊदी ट्रांसफर हुआ है। हाँ। तो उसके बाद ओवर टाइम लेके मैक्सिमम कितना आ जाता है? 3,3200। तो अभी आपने जान गया जो डीजल मैकेनिक और फोर व्हीलर जो ड्राइवर होते हैं उनके महीने का कितना सैलरी मिलता है। तो यही सब था। तो और एक बात बता दूंगा आपसे, वो जो शेर अकबर था वो पाकिस्तान से, तो एक दूसरे के 10 साल से हम जानते हैं, तो काफ़ी एक दूसरे में मजाक होते रहता है, तो मजाक कर रहा था तो आप लोग ऐसे मत सोचिएगा। तो सफाई कर रहा था जो ब्रश है, तो आपसे बता दूँ जो हमारा जो मेस हॉल था वो अभी यहाँ से हटा दिया गया है। तो वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद रखा, वो केबी रखा गया था, तो उसके अंदर में बकाला मतलब सॉरी वो जो दुकान है वो शिफ्ट किया है, तो उसी का है और उसका दोस्त के, दो आदमी मिल के पार्टनरशिप में चलाते हैं। तो जो लोग चाय वो पी के या कुछ नीचे पेपर ऊपर पड़ा रहता है तो वही सफाई कर रहा था। तो यही सब है। और दूसरा वो मैकेनिक बिहार से ही है, तो अपने सब जानी गए। तो चलिए हम वीडियो के पे एंड करेंगे, क्योंकि बड़ा नहीं करेंगे फिर आप लोग देखते भी नहीं हैं। जो लोग अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आज़ाद वीजा पे आएगा, जो आज़ाद वीजा के बारे में आपको बताऊंगा जो आज़ाद वीजा के सऊदी में आने के लिए कितना आपको खर्च आएगा, क्या सिस्टम है, लोग कैसे रहते हैं, क्या है, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम वीडियो के एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।